नेम सोनू कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल टेक हैक। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अगर आपका सेल फोन हैंग होता है या फिर आप एक जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं और आपने काफ़ी सारी जियो की एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर रखा है, तो इस वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि अगर सेल फोन हैंग करता है या लैगिंग करता है या स्लो चलता है या कोई आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्लोज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं जो कि यूज़लेस हैं, जिनका कोई काम नहीं है, फिर भी वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में यूज़ हो रही हैं। देखिए, जैसे कि टास्क मैनेजर है, प्ले म्यूज़िक है, मैप है, नोट्स, ये एप्लीकेशन है जो यूज़लेस है मेरे लिए। और आपके लिए कोई एप्लीकेशन यूज़लेस है तो आप उसे आसानी से हटा सकते हैं। सिंपली गो इन सेटिंग्स एंड एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड सेक्शन में है जो यूज़लेस है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली अदरवाइज आप रनिंग में जाइए, देन ऑल में जाइए। या देख सकते हैं आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल ना करें जो कि यानी कि सिस्टम से रिलेटेड है। तो डाउन करते हैं, मैं आपको एप्लीकेशन के कुछ नाम बताऊँगा जिन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं। डाउन करते रहिए। देखिए, काफ़ी सारी एप्लीकेशन तो मैंने डिसेबल कर दी है। मैं आपको दिखा दूँ, ये जो एप्लीकेशन थी ये गूगल प्ले गेम्स, मैं आपको दोबारा से इन्हें इनेबल करके दिखा देता हूँ कैसे इनेबल होती हैं। बैक एंड इनेबल। मेरा सेल फोन काफ़ी स्मूथ चल रहा है, वो इस वजह से कि मैंने एप्लीकेशन को डिसेबल कर दिया है, यूज़लेस एप्लीकेशन। देखिए, ये एप्लीकेशन मेरे लिए काफ़ी यूज़लेस है। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये एप्लीकेशन है आपकी गूगल प्ले बुक्स, आपको इस एप्लीकेशन की, मैं जहाँ तक जानता हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर भी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। आपका इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनल स्टोरेज, रैम, CPU, काफ़ी सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन लेती है। तो क्यों ना इसको क्लोज़ कर देते हैं। गूगल प्ले बुक्स में टच कीजिए और इसको फोर्स स्टॉप, अगर बटन आपका इनेबल है तो फोर्स स्टॉप करा के ओके करा दीजिए। ये बटन देख सकते हैं, शो नोटिफिकेशन, इसको टर्न ऑफ करा दीजिए और इसको डिसेबल करा दीजिए और ओके। ठीक, अगर क्लियर डेटा का भी ऑप्शन चालू है तो इस पर एक बार क्लियर डेटा पे टच कर दें। बैक एंड गूगल प्ले मूवी, इसको भी फोर्स स्टॉप और शो नोटिफिकेशन को बंद कर दें, क्लियर डेटा कर दें या कैच जो भी है, और इसको फिर से डिसेबल कर दें। बैक, ओके। देखिए, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसको क्लियर डाटा कराएं, ओके। सो नोटिफिकेशन पे ऐसे करके टर्न ऑफ करते हैं, ये मैंने पहले से ही डिसेबल कर रखी है, डोंट वरी, डिसेबल। ये जियो ड्राइव, अगर आपके सेलफोन में जियो की एप्लीकेशन है तो उन्हें अनइंस्टॉल कर दें, बिकॉज उनकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बस एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें, जैसे आप कॉलिंग करते हैं, अगर आपका सेलफोन VoLTE सपोर्ट नहीं करता है तो आप कॉलिंग वाली एप्लीकेशन को डिलीट ना करें, अदरवाइज सारी एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन यूज़ करने की उसकी, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो एप्लीकेशन बहुत लोड डालती हैं CPU पे, इसीलिए उन्हें अनइंस्टॉल करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आइडिया। तो जियो ड्राइव, जियो की एप्लीकेशन है जो मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ, इनको ऐसे करके फोर्स स्टॉप करें, फिर शो नोटिफिकेशन पे टच करें, उसे डिसेबल कर दें और क्लियर डाटा पे भी टच करें अगर इनेबल है तो, अदरवाइज डिसेबल एंड ओके। ये एप्लीकेशन अब ना ही इंटरनल स्टोरेज यूज़ करेगी, ना ही CPU, यानी कोई भी रिसोर्स यूज़ नहीं करेगी, क्योंकि मैंने ये फोर्स स्टॉप के साथ साथ क्लियर डेटा प्लस डिसेबल भी कर दिया है। आप अगर मैप यूज़ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसे भी डिसेबल कराते हैं। देखिए, गूगल फोटोज़ की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको डिसेबल कर देता हूँ। फोर्स स्टॉप, ओके, शो, ओके, क्लियर डेटा, ओके, डिसेबल, ओके, बैक। मैं अनवांटेड एप्लीकेशंस को हटा रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई भी एप्लीकेशन को ऐसे अनइंस्टॉल या फिर फोर्स स्टॉप ना करें जो कि सिस्टम की है। मैं कुछ नाम बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कि गूगल की एप्लीकेशन है जिनको आप फोर्स डिसेबल कर सकते हैं, जैसे गूगल ये वाली एप्लीकेशन थी, गूगल प्ले बुक्स, प्ले गेम्स, प्ले मूवीज़, न्यूज़ स्टैंड, टेक्स्ट टू स्पीच, गूगल प्लस, ये एप्लीकेशन आप डिसेबल कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर गूगल के ऐप्स में आती हैं, गूगल के ऐप्स। ट्रांसलेटर की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे भी डिसेबल कर देता हूँ।
जिस एप्लीकेशन की आपको रिक्वायरमेंट हो सिर्फ उसे ही रखें सेलफोन में, अदरवाइज़ बाकी सारी एप्लीकेशन को डिसेबल्ड करा दें, बिकॉज जो इंटरनल स्टोरेज आई मीन को यूज़ करती हैं या फिर इंटरनल एप्लीकेशन बोल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो सेलफोन में आती हैं उन्हें आप डिसेबल कर सकते हैं, उन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो सेलफोन को पहले आपको रूट करना होगा, देन उसके बाद आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से, बिकॉज उनको रूट ऑथराइजेशन की परमिशन चाहिए होती है। तो देखिए इसमें वायरलेस अपडेट, अगर आप चाहते हैं बार बार सेलफोन वायरलेस अपडेट लेता है तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं। फोर्स स्टॉप, क्लियर डेटा एंड डिसेबल। अब मेरा सेलफोन वायरलेस अपडेट नहीं लेगा जब तक मैं इसे इनेबल ना कर दूँ। टैग इसे भी डिसेबल कर देता हूँ। तो ये काफ़ी एप्लीकेशन मैंने डिसेबल कर दी हैं, गूगल प्ले, बुक्स, गेम्स, मूवीज, टीवी, न्यूज़ स्टैंड, टेक्स्ट टू स्पीच प्लस, यू ड्राइव, ये सारी एप्लीकेशन अब ना ही इंटरनेट स्टोरेज का यूज़ ले रही हैं और ना ही रैम का और ना ही सीपीयू का। तो मेरा सेलफ़ोन काफ़ी स्मूथ चल रहा है अभी, ठीक है। आप भी ये कर सकते हैं, अपने सेलफ़ोन में जो यूज़लेस एप्लीकेशन है उन्हें अनइंस्टॉल करा दें और जो एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई हैं उन्हें डिसेबल करा दें। तो पैक एंड और मैं आपको और परफॉर्मेंस सेलफ़ोन को बढ़ाने के लिए काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे भी। सबसे पहले आपको अबाउट में जाना है और इसमें आपको बुल्ड नंबर को सर्च करना है। बुल्ड नंबर हर सेलफोन में मिलेगा आपको, अबाउट में एक बुल्ड नंबर, इसको 5 से 6 बार टच करना जिससे कि डेवलपर मोड चालू हो जाएगा। उस डेवलपर मोड में आप सेलफोन के काफ़ी सारे ट्विक्स कर सकते हैं, यानी कि मोडिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जिससे सेलफोन को परफॉर्मेंस बढ़ाया जा सके। तो चलिए बुल्ड नंबर पे 2-3 बार टच करते हैं। देखिए ये बोल रहा है यू आर नाउ ए डेवलपर। तो बैक करते हैं एक बार और हमारे पास एक नया ऑप्शन खुल गया है, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपर ऑप्शंस। तो इस पर टच कीजिए और इसको इनेबल करा दीजिए। अगर आप अपने सेलफ़ोन को पीसी पर कनेक्ट करते हैं तो यूएसबी डिबगिंग को ऑन करा दें, ठीक है। डाउन आइए और ये अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन या ऑटोमेटिक इंस्टॉल ना हो आपके सेलफ़ोन में, आप उसे वेरीफाई करा सकते हैं, क्योंकि ADB के थ्रू जिसमें हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराते हैं यानी कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कराते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है ADB, एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज बोलते हैं इसको। अगर आप वेरीफाई कराने चाहते हैं एप्लीकेशन तो इसे ऑन करा दें, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। कोई भी एप्लीकेशन ऐसी जो हार्मफुल हो, प्रॉब्लम सेलफोन को कर सकती है, तो उस एप्लीकेशन को ये वेरीफाई कर लेगा। ओके तो देखिए विंडोज़ एनिमेशन स्केल को आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आप सेलफोन का परफॉर्मेंस बहुत बहुत हद तक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसे ऑफ़ करा दें और ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल को भी ऑफ करा दें, ड्यूरेशन स्केल को भी ऑफ करा दें। इससे आपका सेलफोन बहुत 200% स्मूथ चलेगा, बट एनिमेशन नहीं होंगे आपके सेलफोन में। जैसे कि आप बैक करते हैं तो एक एनिमेशन होता है, ठीक है। तो आप फोर्स 4xMSA को ऑन करा दें। अगर आप अपने सेलफोन में गेम खेलते हैं बहुत बहुत ज़्यादा GB वाले, जैसे सपोज दैट 2GB 3GB का गेम है खेलते हैं उसको, उसके लिए परफॉर्मेंस चाहिए होता है, तो आप फोर्स 4xMSAA को इनेबल करा दें, इस ऑप्शन को इनेबल करा दें। अब आपके गेम्स बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेंगे इसे इनेबल करने के बाद। एंड आप देखना चाहते हैं कि CPU कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है तो इसको इनेबल करा दें। देख सकते हैं ऊपर की साइड में com.android कितनी एप्लीकेशन अभी करंट में यूज़ हो रही है मेरी। बैक ये ऑप्शन आप देख सकते हैं डोंट कीप एक्टिविटीज, इस ऑप्शन को आप इनेबल करते हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन रनिंग एप्लीकेशंस हैं वो डिसेबल हो जाएंगी। एंड बैकग्राउंड प्रोसेसिंग लिमिट टू स्टैंडर्ड लिमिट, गो बैक, गो बैक, गो बैक। देख सकते हैं मेरा सेलफोन काफ़ी स्मूथ हो गया है यहाँ पर, ठीक है। सो थैंक यू।